पलामू से कौन, इस बार भी बीडी राम या कोई और? कई तरह की सियासी खिचड़ी पकती है 132 साल पुराने पलामू में। जातीय से लेकर स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील है यह संसदीय क्षेत्र। दलों की किस्मत भी बदलती है अनुसूचित जाति के लिए इस सुरक्षित सीट पर। पलामू के सीने में इस बार भी छिपे हैं कई राजनीतिक समीकरणों के गंभीर संकेत। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल सिंह। पलामू यानी पलाश, लाहा और महुआ की धरती, जो एक जिला के रूप में 132 साल पहले 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया था। झारखंड के सबसे पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यहां की धरती बेहद उर्वर रही है। पलामू संसदीय सीट पर पिछले 75 साल में कई स्वाद की खिचड़ी पक चुकी है और यह क्षेत्र कभी किसी एक दल का गढ़ नहीं रहा। झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्र में से केवल पलामू ही अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इस क्षेत्र पर कभी खरवार, उराव और चेरों ने शासन किया। मुगल काल में इसे पलून या पालून भी कहा जाता था। जंगलों पहाड़ों से घिरा पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों से परिपूर्ण है, लेकिन रेन शैडो क्षेत्र होने के कारण यहां अक्सर अनावृष्टि और सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहां पर बिताया था। मध्य बिहार के औरंगाबाद और यूपी छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण पलामू संसदीय सीट राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी। हर चुनाव में पलामू संसदीय क्षेत्र के मतदाता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि यहां आज भी जातीय राजनीति का बोलबाला है। कभी नक्सलियों का गढ़ रहे पलामू ने एक पूर्व नक्सली कमांडर को भी अपना सांसद चुना है, तो एक पूर्व डीजीपी को भी। पलामू संसदीय सीट की यही विशिष्टता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां कौन से मुद्दे हो सकते हैं और क्या है पलामू का राजनीतिक परिदृश्य, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। पलामू का नाम सामने आते ही एक ऐसे इलाके की तस्वीर सामने आती है जहां हर साल सुखाड़ या अनावृष्टि की स्थिति बनती है। बिना किसी बड़े उद्योग धंधे वाले इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन पलामू संसदीय सीट का राजनीतिक परिदृश्य उतना ही रोमांच पैदा करता है। पलामू लोकसभा सीट झारखंड के दो जिलों पलामू और गढ़वा में फैली हुई है। महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास। पलामू जिला का इतिहास 132 साल पुराना है। 1 जनवरी 1892 को पलामू को जिला घोषित किया गया था। इससे पहले 1857 के विरोध के बाद से यह डाल्टनगंज में मुख्यालय के साथ एक उपखंड था। 1871 में परगना, जपला और बेलौंजा को गया से पलामू में स्थानांतरित कर दिया गया था। पलामू का प्रारंभिक इतिहास किंवदंतियों और परंपराओं से भरा है। स्वायत्त जनजातियां शायद अतीत में क्षेत्र में निवास करती थी। खरवार, उराव और चेरों ने पलामू पर शासन किया। पलामू का इतिहास मुगल काल से अधिक प्रामाणिक है। आज के समय में पलामू की सीमा बिहार से छूती है। पलामू की स्थानीय भाषा नागपुरी है। पलामू में जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर है। नागपुरी भाषा यहाँ की स्थानीय बोली है। पलामू की प्रमुख जनजातियों में खिरवार, चेरो, उराव, बिरजिया और बिरहोर शामिल हैं। जनजातीय विश्वास और रीति रिवाज के चलते लोग जंगलों को पवित्र मानते हैं। पलामू के जनजातीय समुदाय पवित्र वनों की सरना पूजा करते हैं। वे कर्म वृक्ष को पवित्र मानते हैं और वर्ष में एक बार कर्मा पूजा होती है। इन प्राचीन मान्यताओं के कारण सदियों से यहाँ की जैविक विविधता पोषित होती आ रही है। यहाँ रहने वाले खिरवार अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। अपना उद्गम अयोध्या से बताते हैं। जंगलों पहाड़ों से घिरा पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में हुसैनाबाद अनुमंडल का मोहम्मदगंज भी शामिल है। यहीं पर है पौराणिक भीम चूल्हा। किंवदंतियों के अनुसार यह वही 5000 साल पुराना चूल्हा है जिस पर पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम भोजन बनाया करते थे। कोयल नदी के तट पर शिलाखंडों से बना यह चूल्हा पांडवों के इस इलाके में ठहराव का मुख्य गवाह है। बगल में ही मोहम्मदगंज बराज है। भीम चूल्हा के पास में पहाड़ी के पास पत्थर की तराशी हुई हाथी की मूर्ति भी है, जिसकी लोग पूजा भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क है। यह 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें 175 प्रजातियों के पक्षी और 40 प्रजातियों के स्तनधारी जीव रहते हैं। साथ ही यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व भी है। यह करीब 923 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यहाँ पर 44 बाघ हैं। इसके अलावा लोध झरना भी बहुत विख्यात है। पलामू का राजनीतिक परिदृश्य। पलामू की राजनीति में धुरंधर माने जाने वाले नेताओं के राजनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं।
पलामू ने वह दौर भी देखा है जब लोकसभा चुनाव को लेकर उपजे विवाद के कारण डाल्टनगंज विधानसभा में उपचुनाव भी हो गया था, क्योंकि तब डाल्टनगंज के तत्कालीन विधायक इंदर सिंह नामधारी ने सिर्फ इसलिए विधायक पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि तब जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन 12 वर्षों के बाद पलामू के राजनीतिक मैदान का स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ है। इंदर सिंह नामधारी के राजनीतिक नेतृत्व में जाने के बाद 2007 में घुरन राम को गिरिनाथ सिंह ने दिल्ली पहुंचाया था। आज वही गिरिनाथ सिंह भाजपा के लिए खड़े हैं। घुरन राम भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। 2009 में नौजवान संघर्ष मोर्चा प्रमुख भानु प्रताप शाही ने कामेश्वर बैठा के लिए खुलकर काम किया था। तब बैठा को शाही ने कांग्रेस, झामुमो और नौजवान संघर्ष मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। गिरिनाथ सिंह पलामू प्रमंडल में राजद की कमान संभाल रहे थे। वह हर हाल में कामेश्वर को रोकना चाहते थे। गिरिनाथ और भानु के रिश्तों में काफी तल्खी भी आ गई थी। भानु बैठक को दिल्ली में तो ले आए, लेकिन इससे उनके राजनीतिक विरोध बढ़ गए। आज भानु और गिरिनाथ के अलावा घुरन भी भाजपा में हैं। जब पलामू के चार लाल एक साथ पहुंचे थे संसद, आजादी से लेकर अब तक पलामू पिछड़ा कहा जाता रहा है। सच्चाई भी है कि हर क्षेत्र में धनी होने के बावजूद इस क्षेत्र के माथे पर पिछड़ेपन का टीका लगा हुआ है। पलामू की धरती ऐसी है कि यहाँ जंगल, पहाड़, खेत, खलियान और मैदान सब कुछ है। पलामू में कई बड़ी बड़ी नदियाँ, राष्ट्रीय स्तर के नेता, मंत्री और सांसद रह चुके हैं। संयुक्त पलामू आज 3 जिलों का प्रमंडल बन गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस पलामू ने इंदर सिंह नामधारी से लेकर घुरन राम, कामेश्वर बैठा और वीडी राम को स्थापित किया, वह पलामू आज भी एक अदद 4-लेन रोड के लिए तरस रहा है। रांची से पलामू जाते वक्त आप जैसे ही कुड़ू पार करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि वहीं से पलामू शुरू हो रहा है। पलामू जाना कितना कठिन था या है, यह कहावत में भी प्रचलित है। जब कोई सुदूर गांव में कहीं जाता था तो उससे कोई पूछता था कि कहां जा रहे हैं, तो वह कहता था बहुत दूर। प्रश्न करने वाला छूटते ही पूछता था कि क्या पलामू जा रहे हैं। वह कहावत आज भी पलामू के बारे में चरितार्थ हो रही है। कुड़ू से लेकर डाल्टनगंज तक आपको हिचकोले खाते हुए आज भी जाना पड़ता है। आज तक किन कारणों से यह सड़क 4-लेन नहीं बनी, इसका बेहतर जवाब तो वहां के सांसद और जनप्रतिनिधि ही दे सकते हैं। हाँ, अब कहा जा रहा है कि 4-लेन पास हो गया है, कहीं कहीं काम भी शुरू हो गया है, लेकिन यह बनेगा कब, राजनेता ही जाने। पलामू प्रमंडल विशेषकर पलामू लोकसभा की राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी गोद में पूरा इतिहास समेटे हुए है। पलामू को पिछड़ा कहने वालों को शायद पता नहीं है कि यहां के चार लाल ने एक साथ झारखंड के चार अलग अलग संसदीय सीट पर कब्जा जमा रखा था। वर्ष 2004 में पूरे देश में 14वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ। इनमें पलामू सीट से राजद प्रत्याशी सतबरवा निवासी मनोज कुमार, संयुक्त पलामू निवासी अब गढ़वा जिले के मझियाओं चौखरा गांव निवासी चंद्रशेखर दुबे धनबाद, पलामू जिला मुख्यालय से सटे चियांकी गांव निवासी रामेश्वर उरांव लोहरदगा और पलामू से ही सुबोध कांसा है रांची में एक साथ सांसद बने थे। इन चारों में से पलामू पर राजद और अन्य तीनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। उस समय पलामू वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इस पिछड़े क्षेत्र के चार योद्धाओं ने दूसरे संसदीय क्षेत्र में अपनी धाक जमा कर पलामू का नाम रोशन किया था। आज भी उनका नाम झारखंड स्तर पर स्थापित है, लेकिन बाद के सांसदों की पहचान मात्र रही है कि वे सिर्फ पलामू के सांसद बनकर रह गए। पलामू की धरती पूरे विश्व को यह संदेश देने में कामयाब रही कि गरीबी में भी उनके पास अमीरी है। वर्ष 2009 में भी पलामू के दो धरती पुत्र इंदर सिंह नामधारी और सुबोध कांसाहाय सांसद बने थे। इंदर सिंह नामधारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चतरा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। सुबोध कांसाहाय ने सूबे की राजधानी रांची संसदीय क्षेत्र में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इससे पूर्व देखें तो 4 दशक पहले भीष्म नारायण सिंह पलामू के चमकते सितारे थे। पलामू के छतरपुर प्रखंड के उदयगढ़ गांव निवासी भीष्म नारायण सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर पलामू को विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हर स्तर पर बुलंदी तक पहुंचाने वाली पलामू प्रखंड की धरती आज भी अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहाने को विवश है। पलामू प्रमंडल के लोगों को इंतजार है एक ऐसे रहबर की जो आए और पलामू को गरीबी मुफलिसी की बेड़ी से एक हद तक आजाद करा दे, 4-लेन सड़क का निर्माण करवा दे, उनके खेतों तक पानी पहुंचा दे और पीने का शुद्ध जल दे दे। पलामू का राजनीतिक माहौल। पलामू संसदीय सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। राजद के पूर्व नेता और इस सीट से पिछले 3 संसदीय चुनाव लड़ चुके घुरन राम भाजपा में शामिल हो गए हैं।
इससे भाजपा और राजद दोनों के अंदर का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। दोनों पार्टियों के अंदर टिकट की लॉबिंग के लिए नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा राजनीतिक घमासान तो प्रदेश भाजपा के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं राजद के कई नेता इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। भाजपा के वर्तमान सांसद बीडी राम के टिकट जाने की चर्चा दबी जुबान पहले से ही राजनीतिक गलियारों में है। अब घुरन राम के आने के बाद सांसद बीडी राम के सामने चुनौती और बढ़ गई है। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों को टिकट देने में 70 साल से अधिक उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य जैसे कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। बीडी राम की आयु 70 साल से अधिक हो चुकी है। वहीं उनकी पहचान मात्र सांसद के नाम पर ही है। पार्टी में वह बहुत सक्रिय नहीं है। इसके अलावा इस सीट पर पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम के बेटे राकेश पासवान के उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। राकेश पासवान इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के अंदर कुछ और चेहरे भी हैं जो यहां से चुनाव लड़ने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसमें पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम, रघुवर दास सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके शिवधारी राम, प्रभात भुइयां सरीखे नेता भी टिकट के लिए लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। 2019 में भाजपा ने लहराया था परचम। 2019 के लोकसभा चुनाव में पलामू संसदीय सीट पर घुरन राम राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्हें भाजपा उम्मीदवार बीडी राम ने करारे शिकस्त दी। वोटों की बात करें तो राजद को केवल 22.9% वोट ही मिला था, वहीं भाजपा के हिस्से में 62.4% वोट आया था। जातीय समीकरण और वोटों के हिसाब से पलामू संसदीय सीट पर अनुसूचित जाति काफी अहम भूमिका निभाती है। वोटों के हिसाब से देखें तो यहां एससी जाति की संख्या करीब 27% के करीब है। यहां का जातीय समीकरण ही जीत हार तय करता है। 2024 के लिए बन रहे चुनावी समीकरण में भाजपा का दावा मजबूत माना जा रहा है, लेकिन यह उनके प्रत्याशी पर निर्भर करता है। अब देखना यह है कि क्या बीडी राम को यहां से तीसरी बार टिकट मिलता है या भाजपा किसी और चेहरे पर दाव लगाना चाहेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।